घूर्णी गति में अभी तक हमने घूर्णी गति इससे संबंधित विभिन्न स्थितियां बलाघूर्ण जड़त्वाघूर्ण जड़त्वाघूर्ण पर आधारित से संबंधित जड़त्वाघूर्ण से संबंधित प्रमेय इन सबको पढ़ा। इस अध्याय में बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण के बारे में आपको बताया गया था। आज हम बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण, जैसा कि इस अध्याय में जो राशियां हैं घूर्णी गति से संबंधित, वे राशियां एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित थी, उनको सैद्धांतिक रूप में सूत्र के माध्यम से बताया गया था। उन्हीं में से बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न यहां पर देखते हैं, जिससे यह और स्पष्ट हो जाएगा कि ये बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण, जैसा कि सूत्र के द्वारा भी आपको बताया गया था, तो यहां पर एक प्रश्न के माध्यम से समझाएंगे कि ये आपस में कैसे संबंधित है, अर्थात उस सूत्र का जो है आंकिक रूप में उपयोग कर करके आप देखेंगे। एक प्रश्न है इसमें, एक पिंड का जड़ आघूर्ण एक दशमलव दो किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, इसमें पच्चीस रेडियन इसमें 25 रेडियन प्रति वर्ग सेकेंड का कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण की गणना कीजिए। आवश्यक बल आघूर्ण की गणना कीजिए। हल पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, प्रश्न की क्या स्थितियां हैं और क्या करना है हमको। एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, इसमें 25 रेडियन प्रति वर्ग सेकेंड का कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण की गणना कीजिए। जैसा कि पिछली बार व्याख्या में बताया गया था कि रेखीय गति में जो महत्व द्रव्यमान का है, वही घूर्णी गति में जड़त्व आघूर्ण का। यहां पर पिंड का जड़त्व आघूर्ण यह दिया हुआ है और उसको त्वरित करना है, और एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दिया है, उसको 25 रेडियन प्रति वर्ग सेकेंड
कोणीय त्वरण से त्वरित करना है, तो बल आघूर्ण की गणना कीजिए। जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण अर्थात बल आघूर्ण टाऊ और जड़त्व आघूर्ण आई, ये जो सूत्र है टाऊ इक्वल टू आई अल्फा, इस सूत्र को हम स्थापना देखे थे, इस सूत्र के माध्यम से दोनों संबंध देखे। अब यहां पर देखते हैं इसी सूत्र से, तो हमको इसमें दिया है आई, आई बराबर दिया हुआ है 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर तथा कोणीय त्वरण अल्फा बराबर दिया हुआ है 25 रेडियन प्रति वर्ग सेकेंड। तब इस सूत्र से ये सूत्र है टाउ इक्वल टू हो जाएगा आई, आई का मान 1.2 इंटू 1.2 गुणा अल्फा का मान 25, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर। ये अब देखें क्या बोल रहा है कि पिंड का जड़त्व आघूर्ण 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है और 25 रेडियन प्रति वर्ग सेकंड का त्वरण उसको त्वरित करना है, मतलब त्वरित करना है, कैसे त्वरित होगा, वो उस पर बल लगाएंगे, उसी बल का जो प्रभाव है अर्थात जिसको हम बल आघूर्ण कहते हैं घूर्णी गति के लिए, तो उस बल आघूर्ण कितना बल आघूर्ण लगेगा जिससे कि यह इतने रूप में त्वरित हो जाए, इस मान से त्वरित हो जाए, तो उस बल आघूर्ण का मान, ये जो दोनों में संबंध है बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध वाला जो सूत्र है उस सूत्र से देखे तो टाउ इक्वल टू 1.2 इंटू 25 इक्वल टू 30 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का मान होगा। यहां पर प्रश्न के जो प्रश्न में जो जानकारी मांग रही थी उस मांग के साथ साथ में यह भी बात स्पष्ट हो गई कि उस पिंड को त्वरित करने का काम यह बल आघूर्ण अर्थात इस बल के प्रभाव से होगा और उसका जो विरोध करने का काम कर रहा है वह आई है। एक इसी पर आधारित एक और प्रश्न देखते हैं, इसी बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण से संबंधित प्रश्न है। पांच गुना दस की घात ऋण तीन किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण का पहिया 20 चक्र प्रति सेकेंड, जड़त्व आघूर्ण का 20 चक्र प्रति सेकेंड की दर से घूर्णी गति कर रहा है कि दर से घूर्णी गति कर रहा है, इसे 10 सेकेंड में रोकने के लिए इसे 10 सेकेंड में रोकने के इसे 10 सेकेंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण की गणना कीजिए, आवश्यक
बल आघूर्ण और शेष बल आघूर्ण की गणना कीजिए। हल पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि वो जो बल आघूर्ण जो हम ज्ञात कर रहे हैं या बल आघूर्ण का जो मान प्राप्त हुआ है उस बल आघूर्ण अर्थात पिछले प्रश्न के अनुसार ये 30 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण जो है उस 1.2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर यदि अर्पित होता है तो उसको 25 रेडियन प्रति वर्ग सेकेंड से त्वरित कर देगा। इस प्रश्न में देख रहे हैं यहाँ पर तो यह प्रश्न है ये पिंड का जड़त्व आघूर्ण है, एक पहिया है जिसका जड़त्व आघूर्ण 5×10³³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, यह घूर्णी गति कर रहा है किस प्रकार से 20 चक्र प्रति सेकेंड और 10 सेकेंड के पश्चात उसको रोकना है, घूर्णी गति कर रहा है और 10 सेकेंड के बाद उसको रोकना है तो कितना बल आघूर्ण लगेगा। जैसे हम सामान्य गति में बोलते हैं कोई वस्तु गतिशील है, गति करते हुए आ रही है और उसको रोकना है तो कितना बल लगाना पड़ेगा, वैसे ही मतलब यहाँ पर कि घूर्णी गति कर रही है तो उस घूर्णी गति वाली स्थिति में कितना बल आघूर्ण लगेगा रोकने के लिए। इसमें सर्वप्रथम हम देख लेंगे यहाँ पर सूत्र का उपयोग किया जाएगा टाउ इक्वल टू आई अल्फा, जहाँ पर टाउ जो है बल आघूर्ण है, आई जो है जड़त्व आघूर्ण और ये कोणीय त्वरण यहाँ पर दिया है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, तो इसमें आई बराबर दिया है 5×10³³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यह आई का मान हो गया। प्रारंभिक स्थिति में वो गतिमान है अर्थात गति कर रहा है एक अक्ष के प्रति अर्थात उसमें जो है कोणीय वेग है और 10 सेकंड के पश्चात वो गति रुक जाती है अर्थात उसका कोणीय वेग शून्य हो जाता है। तो दो स्थितियां आ रही है कोणीय वेग के लिए, तो प्रारंभिक स्थिति ले लेते हैं ओमेगा वन और दूसरी को ले लेंगे ओमेगा टू, जिससे कि ओमेगा के सॉरी कोणीय वेग के लिए सूत्र हो जाता है 2πν। ये तब इस सूत्र से 2π और ये जो है इसका मान 20 चक्र प्रति सेकेंड, न्यू बराबर हो जाएगा 20 बराबर इसका माना जाएगा 40π रेडियन प्रति सेकेंड। और ओमेगा टू चूंकि वो दूसरी स्थिति रुक जा रही है 10 सेकंड के पश्चात रुक जा रही है तो ओमेगा टू बराबर हो जाएगा 0। तब सूत्र से टाउ इक्वल टू आई अल्फा जो सूत्र है यहां पर इस सूत्र में हम मान रख लेंगे। यहां पर अल्फा क्या है तो अल्फा जो है कोणीय त्वरण, जैसे कोणीय त्वरण बताया गया है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। तब इधर सूत्र लिखेंगे टाउ इक्वल टू आई अल्फा या आई इंटू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन टी, या आई का मान रख लेते हैं तो आई का मान आ जाएगा 5×10⁻³ इंटू ओमेगा टू, ओमेगा टू इक्वल टू 0 है माइनस ओमेगा वन, ओमेगा वन का मान है ये 40π अपॉन टी, टी का मान है 10, ये हो जाएगा 5×10³ ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंटू 40π/10 या ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे इसमें ये इससे तो 0 इससे कट जाएगा आ जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जाएगा 20×10⁻³ अर्थात 10³³, या इसको और लिख सकते हैं 2×10⁻², किसका मान
टाउ का मान, तो टाउ का मान आया 2 × 10^-2 और साथ ही साथ में इसमें पाई, यह पाई और ये ऋण चिन्ह यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ भी ऋण चिन्ह कर लेंगे ये, तो ये मान प्राप्त हुआ टाउ का। टाउ का मान क्या प्राप्त हुआ, टाउ इक्वल टू -2 × 10^-2 पाई, अर्थात √2 × 10^-2 पाई। साथ ही साथ मात्रक लगा लेंगे बल आघूर्ण का, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, ये। तो इस प्रकार 5 × 10^-3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण का पहिया है, 20 चक्र प्रति सेकेंड की दर घूर्णी गति कर रहा है, 10 सेकेंड में रोकने के लिए आवश्यक जो बल आघूर्ण है वो बल आघूर्ण इस सूत्र से हम ज्ञात किए, तो चूंकि प्रारंभ में वो गतिमान है, घूर्णी गति कर रहा है, तो उसका वेग जो है वेग ज्ञात किए, वेग आया 40 π/s, और कोणीय वेग 10 सेकेंड के पश्चात रुक जाता है, तो इतना यहाँ पर समय दिया हुआ था, इसको लिख लीजिए यहाँ समय बराबर 10 सेकेंड, टी बराबर 10 सेकेंड, ये। तब आई का मान रख लिए 5 × 10^-3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ओमेगा 1 का मान 2 π/ν अर्थात 2 π, और ये इसका मान 20, ये सॉल्व कर लेंगे तो 40 π/s, ओमेगा 2 का मान 0 और टी का मान 10। सूत्र टाउ इक्वल टू आई अल्फा, आई मतलब जड़त्व घूर्ण, अल्फा मतलब कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण मतलब कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, तो ये ω2 − ω1 अपॉन टी 5 × 10^-3 यानी 5 × 10^-3 ब्रैकेट में 0 − 40 π, डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आगे देखिए ऋण ये ऋण चिन्ह इधर आ जाएगा, तो 5 × 10^-3 × 40 π, ये 10 से ये कट जाएगा, 4 π यहाँ पर आ जाएगा, अगर इसको पूरा कट कर लिखिए तो ऐसे ये, और ये 4 × 5 से गुणा हो जाएगा, 4 × 5 = 20 × 10^-3 π, या इसको और आगे इस रूप में लिख सकते हैं 2 × 10^-2 π मात्रक के साथ न्यूटन मीटर। यहाँ पे एक ऋण चिन्ह दिख रहा है, यह ऋण चिन्ह क्या है, यही ऋण चिन्ह जो हम भौतिक मीनिंग बता रहे थे, अर्थात दोनों को किस रूप में हम समझ सकते हैं, जड़त्व आघूर्ण बल आघूर्ण एक दूसरे से जो संबंधित है, तो उसमें वही है कि बताया गया था कि बल आघूर्ण का मतलब क्या है, कि किसी पिंड पर जब बल आघूर्ण आरोपित होता है तो उसको घूर्णन अक्ष के प्रति वो उस बल के प्रभाव से घुमाता है, और जड़त्व आघूर्ण वो पिंड का वह गुणधर्म है जो कि बल आघूर्ण का विरोध करता है। तो यही यहाँ पे जो ऋण चिन्ह है, यह ऋण चिन्ह क्या कर रहा है, तो ऋण चिन्ह जो है बल आघूर्ण की घूर्णन दिशा के विपरीत अर्थात विरोध को दर्शा रहा है, या ऐसा कहें कि घूर्णन दिशा के विपरीत जो है बल आघूर्ण की दिशा, अगर वो इधर घूम रहा है तो बल आघूर्ण इस दिशा में रहेगा और वो क्या करेगा, उसको रोक देगा, या ऐसा कहें कि रोकने के लिए यह आवश्यक बल आघूर्ण का मान है। तो यह दोनों प्रश्न में हम क्या देखें कि पिंड का जड़त्व आघूर्ण दिया हुआ है, एक स्थिति में आवश्यक बल आघूर्ण की गणना कीजिए, अर्थात उस बल आघूर्ण से यह त्वरित हो रहा है, और दूसरे प्रश्न को देखते हैं तो वहां पर जो बल आघूर्ण प्राप्त हो रहा है उस बल आघूर्ण जो है क्या कर सकता है, उसको जो है रोक दे रहा है, मतलब कि वह जो जड़त्व आघूर्ण है वह जड़त्व आघूर्ण एक प्रकार जैसे हम बताया गया था पहले कि रेखीय गति में जो महत्व द्रव्यमान का है, घूर्णी गति में वही महत्व जड़त्व आघूर्ण का है, रेखीय गति में द्रव्यमान, घूर्णी गति में जड़त्व आघूर्ण, जैसा कि अधिक द्रव्यमान तो अधिक बल लगेगा, चाहे तो गति करने के लिए या फिर उसको गति से विराम में लाने के लिए, वैसे ही अधिक जड़त्व आघूर्ण तो अधिक बल आघूर्ण, कम जड़त्व आघूर्ण तो कम बल आघूर्ण, अर्थात जड़त्व आघूर्ण अधिक है तो घूर्णी अवस्था में परिवर्तन के लिए अधिक बल आघूर्ण लगेगा, कम है तो कम लगेगा। तो यह था बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण से संबंधित अंकित प्रश्न। आगे हम इसके बाद देखते हैं कि कुछ नियमित आकार की वस्तुओं के जड़त्व आघूर्ण,
कुछ नियमित आकार की वस्तुओं के जड़त्व आघूर्ण के जड़त्व आघूर्ण के लिए भेजक कुछ नियमित आकार की वस्तुओं के जड़ प्रभुण के लिए पिंजक ज्ञात किया था, जड़ प्रगुण का मान दिया गया था, प्राप्त प्रश्न में था, में दिया गया था और बलागुण ज्ञात किया। अब यदि जो पिंड या वस्तु है उसका जड़ प्रगुण हमको ज्ञात करना है, जिसमें कि जड़ प्रगुण ज्ञात करने के संबंधित लंब अक्ष का प्रमेय, योग का प्रमेय, समांतर अक्ष का प्रमेय बताया गया है, तो उन प्रमेयों का उपयोग करते हुए कुछ नियमित आकार की वस्तुओं, अब नियमित आकार की वस्तु मतलब कोई पिंड मान लिए तो इसमें हम देखते हैं सर, हम पतली छड़ का, पतली छड़ के लिए जड़त्व आघूर्ण, जैसे पतली छड़ है ये, यह छड़ जो है घूम रही है, मान लीजिए कैसे घूम रही है, ये इसका मध्य भाग है, तो इसके मध्य से होकर के जाने वाली अक्ष जो कि लंबाई के लंबवत, अर्थात छड़ के मध्य बिंदु से उसकी लंबाई के लंबवत, ये अक्ष है ऐसा, तब इस स्थिति में जड़त्व आघूर्ण का मान होता है I इक्वल टू एम एल स्क्वेयर अपॉन 12। क्या बोला गया, पतली छड़ के लिए जब घूर्णन अक्ष जो है उसकी लंबाई के लंबवत, ये इसकी लंबाई, माना इस छड़ की लंबाई है स्मॉल l, इस छड़ का द्रव्यमान है कैपिटल M, यहां पर हम संकेत ले लेते हैं कुछ, जैसे L का अर्थ हम ले लिए लंबाई, B का अर्थ ले लेते हैं चौड़ाई, R को त्रिज्या, M उस पिंड या वस्तु का द्रव्यमान। तो हमें L लंबाई का कोई छड़ दिया हुआ है जिसका द्रव्यमान है M, तब उसके लिए उसके मध्य बिंदु से उसकी लंबाई के लंबवत जाने वाली जो अक्ष है उसके लिए उसकी लंबाई के लंबवत जो मान रहेगा वह हो जाएगा लंबाई के लंबवत अक्ष है, यह है अक्ष, ये लंबाई है, इसके लंबवत मध्य बिंदु से जा रहा है, तो I का मान एम एल स्क्वेयर अपॉन 12। यदि यह घूर्णन अक्ष छड़ के एक सिरे से है, ये मान लीजिए इस सिरे से जा रहा है ये, और कैसे गया है, उसी रूप में है कि लंबाई के लंबवत है, लंबाई के लंबवत है लेकिन एक सिरे पर है, मध्य में ना होकर के किनारे है, तब उस स्थिति में I का मान हो जाता है एम एल स्क्वेयर अपॉन 3। छड़ के लिए हो गया, आगे देखते हैं हम इसी प्रकार से व्यास के पर एक
वृत्तीय वलय का, जैसे कोई वृत्तीय वलय है जिसकी त्रिज्या आर है, ये इसका केंद्र है, इसमें अक्ष, अक्ष हम कहां पर ले रहे हैं, तो अक्ष को जो है व्यास के परितः, व्यास के परितः लग गए तब ये स्थिति, और पतला वृत्तीय वलय, मान लीजिए आर त्रिज्या का एक वलय है जिसका द्रव्यमान है कैपिटल एम, अक्ष घूर्णन अक्ष जो है वो इसके ये व्यास के परितः होते जा रही है ऐसे, तब इस स्थिति में इसका आई का मान अर्थात जड़त्व आघूर्ण का मान जो है वह होता है आई इक्वल टू वन अपॉन टू एम आर स्क्वायर, वन अपॉन टू एम आर स्क्वायर ये, और अगर केंद्र पर तल के लंबवत केंद्र पर तल के लंबवत इसका अर्थ क्या है, देखिए ये वाला है ये इसका केंद्र है और ये अपने तल के लंबवत जा रहा है ऐसे अक्ष, उस स्थिति में केंद्र पर तल के लंबवत से तात्पर्य है कि अगर ये वलय है वृत्ति वलय है तो उसके केंद्र से होते हुए और तल के लंबवत जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, ये पहली स्थिति में ये अक्ष था, अक्ष यहां पर अक्षीय है, तो इस अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, तो इस अक्ष के लिए हो जाएगा एम आर स्क्वायर, आई इक्वल टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर, केंद्र पर तल के लंबवत ऐसी स्थिति में आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तल में स्थित स्पर्श रेखा के परितः, तल में स्थित स्पर्श रेखा के परितः, अब तल में स्थित स्पर्श रेखा के परितः कैसे लेंगे, तो देखिए ये वलय, ये इसका तल, जैसे ये वलय है तो इसी के तल में इसको स्पर्श करते हुए जाने वाली रेखा, ये रेखा होगी, ये तल में स्थित स्पर्श रेखा के परितः, तो ऐसी स्थिति में इसका मान हो जाता है I इक्वल टू थ्री अपॉन टू एम आर स्क्वायर, और अगली स्थिति देखते हैं तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखा के परितः, तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखा
कि परता, ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति में और चौथी स्थिति है तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखा। तल के लंबवत मतलब जैसे ये वलय है, ये इसका लंबवत, और इस लंबवत रूप में स्पर्श करके जाने वाली रेखा, ये क्या हो जाएगा इसका अक्ष। इसमें अक्ष ये है, इसका अक्ष ये, इसका अक्ष यहां पर, इसका अक्ष ये ऊपर, ये। तो इस स्थिति में I का मान बराबर हो जाएगा 2m, I इक्वल टू 2mr स्क्वायर। एक बार पूरे स्थितियों को देखते हैं तुलनात्मक रूप में कैसे। सर्वप्रथम व्यास की प्रत्या वलय वृत्ताकार रिंग उसमें, तो उसका ये जो ये भाग है, ये अंदर भाग थोड़ा खोखला है, मतलब खाली रिंग है ये वलय, तो इसका व्यास ये केंद्र है तो, और इसकी त्रिज्या ये r त्रिज्या है, तो इसके व्यास से होकर के जाने वाली रेखा है अर्थात अक्ष है, तो उसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान बराबर हो जाएगा I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब केंद्र से होकर के अगर जा रही है, कैसा वलय है, उस वलय के केंद्र से होकर के, और केंद्र से होकर के फिर दो स्थितियां हो जाएंगी, तो एक लंबवत जा रहा है, कैसा केंद्र से होकर के लंबवत जा रहा है, तब तो केंद्र पर तल के लंबवत, केंद्र पर तल के लंबवत होकर के जा रहा है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, ये I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। देखिए ये व्यास के लिए है, तो ये एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तल में स्थित स्पर्श रेखा के परितः ये केंद्र है, इस तल में स्थित ये स्पर्श करके जाने वाली रेखा, इसके पर तक ज्ञात करना है, तो इसका मान आता है 3/2 एम आर स्क्वायर, यहां पर आर त्रिज्या है, ये इसमें ये त्रिज्या आर, ऐसे यहां पर इसको आर ले लेंगे, ये त्रिज्या। और तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखा के पड़ता है, तो तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखा के पड़ता है I इक्वल टू 2mr स्क्वायर। यह तो वलय के लिए था, अर्थात ऐसी आकृति जो केवल बाहरी रूप में, वृत्तीय आकृति, एक वृत्तीय आकृति जिसका अंदर भाग जो है वो खाली है। यदि हम चकती के लिए लेते हैं, चकती के लिए, चकती और वलय में, चकती में क्या हो जाएगा, चकती में आकृति ऐसे ही रहेगी, बस ये पूरा भाग आ जाएगा उसमें। अब देखिए ये ध्यान देंगे, ये जो है अभी आकृति, अगर ये पूरा भाग द्रव्यमान का है, ये पूरा, तो ये क्या बन जाएगा अब, ये चकती, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डिस्क या चकती के लिए। तो वृत्ति चकती के लिए ये मान हो जाएगा व्यास के प्रतः ये I इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर। केंद्र पर तल के लंबवत, तो उस स्थिति में I इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर। तल में स्थित स्पर्श रेखा के परितः, ये लंबवत वाली स्थिति में अगर ये चकती है, अगर तो अभी स्थिति चेंज हो रही है, इसमें ध्यान देंगे, ये चकती केंद्र पर तल के लंबवत जाने वाले अक्ष पर था चकती के लिए, ये तब ये हो जाएगा I इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर। तल में स्थित स्पर्श रेखा के पड़ता, यदि कोई चकती है, जैसे आकृति ये मैं बना रहा हूँ ये, और इसको स्पर्श करके जा रही है, तब हो जाएगा I इक्वल टू 5/4 एम आर स्क्वायर। यदि हम तल के लंबवत लेते हैं, तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखा के परितः, तो उस स्थिति में I इक्वल टू हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। ये जो सूत्र है, ये
ये वृत्ति शक्ति के लिए हो जाएगा, ये वृत्ति वलय के लिए। वलय के शक्ति की स्थिति में ये भाग पूरा पूरा द्रव्यमान वाला भाग लेंगे, ये पूरा शक्ति वाली स्थिति आ गई। और इसके पहले जब बताया गया था आपको तो वलय का स्थितियाँ व्यास के पढ़ते ये रहेगा और केंद्र के तल के लंबवत है तो ऐसी स्थिति अक्ष की हो जाएगी, स्पर्श करके जा रहा है तो ये, और लंबवत स्पर्श करके जाता हुआ होता है तब ये स्थिति। तो इस प्रकार से वलय के लिए सूत्र 1/2 mr² व्यास के करते हैं, केंद्र पर तल के लंबवत mr² और तल में स्थित स्पर्श रेखा के करता 3/2 mr² और तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखा के करता i=2 mr². वैसे डिस्क की वाली स्थिति में आ जाएगा क्रम से इसी रूप में 1/4 mr², 1/2 mr² और i=5/4 mr², i=3/2 mr². ये विभिन्न आकृतियाँ विभिन्न स्थितियाँ हैं। ये क्षण के लिए था, ये वृत्ति वलय के लिए सूत्र है और शक्ति के लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थितियों में जड़त्व आघूर्ण का मान का व्यंजक यहाँ पर है। ठीक है, धन्यवाद।